अगर आपको पता लगे कि एक गांव के 250 से ज्यादा लोग 1 जनवरी को ही पैदा हुए तो आप क्या सोचेंगे। दरअसल ये जानकर हर कोई दंग रह गया। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि राजस्थान के जैसलमेर जिले के गांव के ज्यादातर आधार कार्ड धारकों की जन्म तिथि 1 जनवरी है। खबर है कि पोखरण के बाबूपाड़िया गांव में 250 से ज्यादा लोगों के आधार कार्ड पर उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी लिखी हुई है। अभी हाल ही में राजस्थान के भीलवाड़ा में एक शख्स को मारे जा चुके अफगान आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के नाम पर आधार कार्ड बनवाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि ये गड़बड़ी आधार कार्ड बनवाने के लिए खोले गए ई मित्र सेंटरों की लापरवाही की वजह से हुआ है। राजस्थान सरकार ने आम लोगों के घर तक केंद्र सरकार की सुविधा पहुंचाने के लिए ई मित्र सेंटर खुलवाए थे। भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाले 12 अंकों वाले पहचान पत्र आधार कार्ड की शुरुआत केंद्र सरकार ने जुलाई 2016 में की थी। आधार कार्ड में दोनों हाथों की उंगलियों और आंखों की रेटिना की जानकारी भी होती है। हालांकि आधार के दुरुपयोग का मुद्दा हमेशा उठता रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने माना था कि लाखों लोगों की आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी लीक हुई थी। इससे पहले यूपी के गांव में भी आधार कार्ड के पंजीकरण में हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जहां माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, यहां तक कि पड़ोसियों की जन्मतिथि एक ही दिन दर्ज है। इस गांव के सभी आधार कार्ड में लोगों की जन्मतिथि 1 जनवरी दिखाई गई है। ये मामला इलाहाबाद के गुरुपुर ब्लॉक के कंजुसा गाँव का है, जहाँ सभी गाँव निवासियों ने आधार कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी लिखी हुई है। इस गाँव में रह रहे 10,000 लोग अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने इस आधार कार्ड को बनवाने के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा था। इस गलती का पता तब चला जब सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर्स स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या पता लगाने के लिए उनके घर पहुंचे। बहरहाल अब केंद्र सरकार जहां एक और आधार कार्ड को अनिवार्य बनाकर अपनी सभी योजनाओं में इसका इस्तेमाल करना चाहती है, तो वहीं सबसे विश्वसनीय दस्तावेज पर अब सवाल उठने लगे हैं। दिशा बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।